लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सपोर्ट हमें प्रोवाइड नहीं करता है. ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विल नॉट प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सपोर्ट. तो ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नहीं. ओके, नाउ कम्स द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन एट द टाइम, जिसको हम कह रहे हैं स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन. ठीक है, अभी जैसे हमने कॉइन की बात कही थी, तो जो कॉइन जैसा ही है. स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन का ये मतलब है कि लेट्स से P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस. ठीक है, पहले P1 एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन, फिर पैटर्न जो है वो P2 को दे देगा ताकि P2 क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर ले. फिर P2 चला जाएगा, P2 जब कंप्लीट करेगा तो P1 को वो दे देगा पैटर्न. फिर जब P1 एग्जीक्यूट कर लेगा क्रिटिकल सेक्शन तो P2 को दे देगा, तो P2 कर लेगा तो P1 को दे देगा. तो इसका मतलब क्या कि ऑल्टरनेशन हो रहा है इसमें. पहले P1 मेरी आवाज तो नहीं चली गई थी बीच में, ठीक है. तो पहले P1 एग्जीक्यूट करेगा क्रिटिकल सेक्शन, देन P2, देन P2 क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, देन P1, फिर P1 एग्जीक्यूट करेगा, देन P2. तो ये ऑल्टरनेशन बना हुआ, ठीक है, दिस इज द ऑल्टरनेशन. तो यही सोल्यूशन है हमारा स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन अप्रोच. पहली बात तो ये कंडीशन चेक करके आप इस काम को कर सकते हैं. इसे सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म होगा, ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एडिशनल सपोर्ट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा. ठीक है, अब देखिए ये सोल्यूशन में हो क्या रहा है. दो प्रोसेस हैं, P0 प्रोसेस है और P1 प्रोसेस है. देयर आर टू प्रोसेस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, उससे शायद एक ज्यादा आपको मैं अच्छी तरीके से बता सकूं. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से सोल्यूशन है और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं. और यहीं से हमारा एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट होता है रिलेटेड टू द सिंक्रोनाइजेशन. दो प्रोसेस हैं, एक P0 प्रोसेस है, एक P1 प्रोसेस. हमने एक टर्न वेरिएबल ले लिया है. टर्न वेरिएबल अगर 0 इसका मतलब कि नाउ इट इज द टर्न ऑफ P0 प्रोसेस, और टर्न की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि नाउ दिस इज द टर्न ऑफ द P1 प्रोसेस. देर आर टू टर्न्स या टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर द टर्न. टर्न इक्वल टू 0 एंड टर्न इक्वल टू 1. 0 का मतलब P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, टर्न इक्वल टू 1 का मतलब P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा. नाउ चेक कीजिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्यूशन लिखा है. ऊपर लिखा है नॉन क्रिटिकल सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है इससे. उसके नीचे लिखा हुआ है कि व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 0, P0 प्रोसेस है ना, P0 प्रोसेस अपना कोड चला रहा है. क्या चला रहा है कोड? अगर इसका टर्न नहीं है तो ये वेट करता रहेगा. सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि दोबारा से इसी स्टेटमेंट को चेक करेगा. फिर टर्न 0 नहीं है, दोबारा से स्टेटमेंट को चेक करेगा. फिर टर्न 0 नहीं है, फिर दोबारा से स्टेटमेंट को चेक करेगा. तो लगातार हम इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं. ठीक है, अच्छा चलिए कंप्लीट हो गया. माने कि मान लीजिए कि टर्न टर्न इक्वल टू 0 आ गया. टर्न इक्वल टू 0 आ गया तो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन अलाउड है. और जैसे ही ये क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, टर्न इक्वल टू 1 कर देगा. टर्न इक्वल टू 1 करने का क्या मतलब है? टर्न 0 था, इसने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, इसका काम खत्म हो गया, तो टर्न इक्वल टू 1 कर दिया. टर्न इक्वल टू 1 करने के बाद नॉन क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन हुआ. नॉन क्रिटिकल सेक्शन से आपका कोई सरोकार नहीं है, भूल जाइए कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन लिखा हुआ है. नाउ व्हाट अबाउट द P1 प्रोसेस? सिमिलर इज द अप्रोच फॉर द P1 प्रोसेस. नॉन क्रिटिकल सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, याद मत रखिए इसको. फिर उसके बाद क्या है कि व्हाइल टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, जब तक टर्न की वैल्यू 1 नहीं है, लगातार ये चेक कर रहा है. सेमी कॉलन का मतलब क्या है कि लगातार इसी लूप को एग्जीक्यूट कर. जैसे टर्न की वैल्यू 1 हुई, ये क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करता है, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा, तो जैसे वो क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा, बैटन पास कर देगा टर्न इक्वल टू 0, इसका मतलब कि P0 प्रोसेस को. तो P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके बैटन पास कर रहा है क्रिटिकल सॉरी P1 प्रोसेस के लिए. P1 प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद टर्न को 0 कर दे रहा है ताकि P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए. ठीक है, तो ये टर्न के बारे में आप समझ गए. आप में से कुछ लोग मुझे बताइए. हेलो सर. हाँ जी सर, अगर टर्न 0 कर देगा, मान लीजिए प्रोसेस 1 चल रही है, प्रोसेस 1 ने टर्न 0 कर दिया, तो सर प्रोसेस 0 होगा तो क्रिटिकल सेक्शन का भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. एक बार फिर से सर, अगर प्रोसेस P1 चल रही है, P1 चल रहा है, ठीक है, सर हो जाएगा. एक्चुअली क्या है कि P1 प्रोसेस करते समय टर्न इक्वल टू 0 कर रहा है, और P0 प्रोसेस एग्जिट करते समय टर्न इक्वल टू 1 कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि P0 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद इसको दे रहा है मौका,
और P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद P0 प्रोसेस को मौका दे रहा है, ठीक है, P0 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद P1 को मौका दे रहा है और P1 प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद P0 प्रोसेस को मौका दे रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से टर्न की वैल्यू 0 है तभी P0 प्रोसेस आएगा, टर्न की वैल्यू 1 है तभी P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो गारंटी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी, करेक्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटी। नाउ प्रोग्रेस प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा इसको। मान लीजिए प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है, P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करना चाहता है, तो इसने क्या किया, अपना कोड रन किया, टर्न की वैल्यू 0 है, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर इसने टर्न इक्वल टू 1 कर दिया। जब इसने टर्न इक्वल टू 1 कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि P1 प्रोसेस का टर्न आ गया, लेकिन P1 को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना। आपने कहा भाई कर लो, लेकिन P1 इंटरेस्टेड ही नहीं है, टर्न तो आपने 1 कर दिया। तो जब P1 इंटरेस्टेड नहीं है तो अपना कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो टर्न इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं। तब टर्न इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि P1 को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना भी नहीं, और P1 टर्न इक्वल टू 0 भी नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि P1 ना तो खुद एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, ना तो 0 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने दे रहा है, P0 प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, करेक्ट। वॉइस नहीं आ रही सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा जो है वॉइस चला गया। अब आ गई मेरी आवाज, अनिमेश मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोग्रेस प्रॉपर्टी को। सो P0 प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, फिर इसने टर्न दे दिया P1 को, लेकिन P1 को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना, P1 को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन नहीं करना, तो क्या करेगा P1? ना ही अपना कोड चलाएगा और ना ही कभी टर्न इक्वल टू 0 होगा। टर्न इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि P0 तो कभी क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाए। तो P1 को क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन करना भी नहीं और उसने P0 को भी रोक दिया, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, प्रोग्रेस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब बाउंडेड वेट की बात करते हैं। बाउंडेड वेट का क्या मतलब है कि थोड़े टाइम बाद ये कंफर्म है कि दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन मिल ही जाएगा, तो पहले P0 एग्जीक्यूट करेगा, फिर P1, P1 के बाद फिर P0 करेगा, P0 के बाद फिर P1, P1 के बाद फिर P0, फिर P0 के बाद P1, P1 के बाद P0। इसका मतलब कि अल्टरनेट यूज हो रहा है ना, तो ये श्योर है कि P0 एग्जीक्यूट करने के बाद P1 को दे देगा पैटर्न, P1 एग्जीक्यूट करने के बाद P1 को दे देगा पैटर्न, फिर P0 एग्जीक्यूट करने के बाद P1 को दे देगा पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि ये अल्टरनेट अप्रोच में बाउंडेड वेट सेटिस्फाई हो रहा है, थोड़े समय बाद गारंटीड है कि दूसरे प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करता है, बाउंडेड वेट नहीं है। फिर ये जो सोल्यूशन है आप देख रहे हैं, आप देखिए, आपने सामने देखिए, इस सोल्यूशन में कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं, तो निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, और अगर लाइन ऑफ कोड है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है तो ये निश्चित रूप से आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, ठीक है, ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हुई? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हुई, बाउंडेड वेट सेटिस्फाई हुई, प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं हुई, और आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हुई। तो चार में से तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, ठीक है, चार में से तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई।